सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट जूबी पर। केनिया। केनिया अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जो घने जंगलों से भरा है। केनिया में आपको ऐसे घने जंगल देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस देश में आपको कई तरह के जंगली जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और विक्टोरिया झील उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। भारत की तरह केनिया का इतिहास भी गुलामी से भरा है। 100 साल गुलाम रहने के बाद 12 दिसंबर 1963 को केनिया ब्रिटेन से आजाद हुआ था और 1964 में उसने संविधान को अंगीकार कर खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया। ये एक ऐसा देश है जहाँ शेर, हाथी, भालू जैसे जंगली जानवर हर जगह घूमते नजर आते हैं। एक ऐसा देश जहाँ मध्यम वर्ग के लोग नहीं है। यहाँ के लोग या तो बहुत अमीर है या बहुत ही गरीब है। केनिया की राजधानी नैरोबी है। केनिया का सबसे बड़ा शहर नैरोबी है। केनिया का क्षेत्रफल 58 लाख। केनिया की जनसंख्या 5,58,20,858 है, जो कि 2022 की जनगणना के अनुसार है। केनिया की मुद्रा केनियाई शिलिंग है। केनिया की राजकीय भाषा स्वाली और अंग्रेजी है। देश का नाम माउंट केनिया के नाम पर रखा गया है, जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी है। केनिया में 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, स्वाहिली और अंग्रेजी, लेकिन यहाँ 60 से अधिक स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती है। केनिया अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है। केनिया का आधिकारिक भाग जंगलों से घिरा हुआ है। ये देश दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी, केनिया में परिवहन का कोई भी आधिकारिक साधन नहीं है और यहाँ वैन आदि में यात्रा करना 9 आदमियों की वैन में 19 आदमियों को बैठाने जैसा है। केन्याई परवलम प्रेणी वंगारी मथाई ने 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। वो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।